प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं और ये 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए ईपीएफओ का शानदार सौगात। ईपीएफओ ने जारी किया नया चौंकाने वाला ऐलान। सुबह होते ही पीएफ कर्मचारियों की चमकी किस्मत, हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन। तो ऐसे में ईपीएफओ ने क्या आपकी पेंशन को लेकर नया ताजा बदलाव जारी किया है, जिसके अनुसार आपको पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। और ईपीएफओ ने सुबह होते ही पीएफ कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा शानदार सौगात जारी किया है। साथ ही ईपीएस पेंशन धारक उनके लिए भी बहुत बड़ी लेटेस्ट गुड न्यूज आ चुकी है। तो आखिर ईपीएफओ ने क्या नया बदलाव किया है, जिसके अनुसार आपको पेंशन अब कितनी मिलेगी, साथ ही आपकी मिनिमम पेंशन में अब कितनी बढ़ोतरी होगी और ईपीएफओ ने आखिरी क्या फैसला किया है। तो आज किस वीडियो में इसके बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। तो वीडियो अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा कि हर महीने आपको 7,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन किन पेंशनधारकों को मिलेगी, तो उसके लिए क्या नियम शर्तें होने वाली हैं, कौन पेंशनधारक इसका लाभ ले सकेगा। तो आज किस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट की बैठक से मोदी सरकार से, सरकार से सुप्रीम कोर्ट से, आप सभी की पेंशन से जुड़ी छोटी बड़ी आज दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेटों को भी आज किस वीडियो में जानेंगे। चाहे आप ईपीएस पेंशनधारक है, केंद्रीय कर्मचारी है, तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वैसे में सबसे बात करें पहले अपडेट इस प्रकार की आ रही कि एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत का पेंशन धारकों के लिए शानदार सौगात, नया नोटिस जारी पेंशन को लेकर। और ये सीबीटी के बीच में और एनएससी के अध्यक्ष के बीच में लंबी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि आखिरी पेंशन पर हुआ बड़ा ऐलान, अब कितनी मिलेगी आपको पेंशन। तो वैसे में ईपीएस 95 पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा भी पेंशनर्स की मांगों को लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष जारी है। तो वैसे में एक बार फिर से कमांडर अशोक रावत की क्या मानत लाई रंग, आपकी पेंशन अब कितनी बढ़ेगी, क्या आखिरी फैसला हुआ है। तो वैसे में ये अपडेट भी पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। साथ ही अगली अपडेट आ रही है मोदी सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में ईपीएस और आप सभी की ओपीएस को लेकर जो प्रमुख लंबित पड़ी मांगों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कि अभी भी 5 मिनट पहले मोदी सरकार का ऐलान पेंशन ईपीएस और ओपीएस में बढ़ोतरी और बाली तय बताई जा रही है। तो वैसे में 75 लाख पेंशन धारक, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, उन सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो बिल्कुल ही आप ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आपके लिए इनकी, ताकि ऐसी और भी नई आपको पेंशन जुड़ी ताजा अपडेट देखने को मिलती रहे। तो वैसे मैं बात करती हूँ सीबीटी ने फिलहाल कोई आधिकारिक आपके पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या जानकारी दी है, उसके बारे में बात करें तो जानकारी क्या होने वाली है। तो वैसे में यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट इस प्रकार की बताई जा रही है कि ईपीएफओ का उच्च निर्णय लेने वाले निकाय यानी कि सीबीटी, उसके द्वारा इस तरह की पेंशन को लेकर समीक्षा की जा रही है कि आपका नया पेंशन और नया नियम लागू हो सकता है। तो वैसे में नया पेंशन क्या होगा और नए नियम साथ में क्या कौन कौन से लागू होंगे, अब उसके बारे में बात करें तो ईपीएफओ का इस प्रकार से बताया जा रहा है कि नया पेंशन जो कि आपका अंतिम वेतन के अनुसार मिल सकता है, जो आप कर्मचारी जो रिटायर्ड होते हैं तो उसमें आपका अंतिम बेसिक मूल वेतन था उसके अनुसार आपको पेंशन मिल सकती है। तो वैसे में अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन मिले तो भी पेंशनधारक उनको अच्छा अंकित तोहफा मिलेगा, क्योंकि उनको अच्छी पेंशन जीवन जीने लायक पेंशन मिलेगी। तो वैसे में ये भी चर्चा का विषय इनके बनाया गया था। वैसे में आखिर क्या सीबीटी की बैठक से निर्णय लिया गया, केंद्र सरकार ने क्या कैबिनेट की बैठक से पेंशन को लेकर ऐलान किया है, वैसे में आखिर जो किन पेंशनधारकों को 7,500 रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलेगी उसके लिए उनको क्या करना होगा। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन जुड़ी यह सारी चर्चाएं सामने आ चुकी हैं, तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना जारी हुई। तो वैसे में एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सीबीटी के बैठक के अंदर लंबी चर्चा के बाद यानी कि इस प्रकार का जानकारी अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिल रहा है कि पेंशन पर अशोक रावत की मेहनत लाई रंग, आप सभी को पेंशन जल्द मिल सकती है 7,500 प्लस ईडीए की, उसको लेकर चर्चा की गई सीबीटी ने। लेकिन फिलहाल सीबीटी ने इस प्रस्ताव को सहमति नहीं दी है कि आपको 7,500 रुपये की पेंशन के साथ में डीए मिलेगा या फिर मेडिकल का लाभ मिलेगा या फिर आपको हायर पेंशन मिलेगी, इसको लेकर लंबी चर्चा की गई। उसके बाद यानी कि आपको बदल की इस प्रस्ताव को फिलहाल सहमति नहीं है सभी पेंशनधारक, उनकी अगर सहमति दी जाती तो उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। दो मांगों को स्वीकार बताया जा रहा है जिसमें कि मिनिमम पेंशन और मेडिकल की सुविधा को लेकर, लेकिन अभी तक आधिकारिक ऐसा अपडेट सीबीटी के द्वारा जारी नहीं हुआ या मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिली है या आप सभी की मिनिमम पेंशन को यानी कि 7,500 रुपये भी किया गया है, साथ में आपको मेडिकल की सुविधा का लाभ मिलेगा। अगर मेडिकल की सुविधा के बारे में बात करें, अगर आपकी भी एज 70 साल से अधिक है तो फिर आप ये मेडिकल का भी लाभ ले सकेंगे। भारत सरकार के द्वारा एक आयुष्मान योजना बताई जा रही है जिसके माध्यम से आप ये फायदा ले सकते हैं, 5 लाख रुपये का प्रीमियम मेडिकल इलाज। अगर आप भी बुजुर्ग लोग हैं और आपकी 70 साल से एज अधिक है तो फिर आप इसमें बेहतर लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत अपडेट आपके लिए काम की होने वाली है जिसमें कि आपको 5 लाख रुपये तक का प्रीमियम मेडिकल इलाज मिलेगा। अगर बात करें अगली अपडेट में तो आपको कैसे मिलेगा 7,000 रुपये से भी ज़्यादा पेंशन, तो ईपीएफओ ने आखिर क्या सर्कुलर और नोटिस जारी किया है और वैसे में सीबीटी का आपकी पेंशन को लेकर क्या चौंकाने वाला ऐलान होने वाला है। तो ईपीएफओ के प्रकार से इनकी देखा जाए तो वैसे में ईपीएस 90 पर पेंशनर्स है, उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर तैयारी की जा रही है। तो ईपीएफओ ने पहले भी यानी कहा था कि उनकी प्रमुख मांगों को लेकर ईपीएफओ तैयारी कर रहा है तो जल्द इसको लेकर ऐलान हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा या ऐलान जारी नहीं हुआ है। तो आपको पता होगा कि हर महीने अब पेंशन का आपको फायदा मिलता है, तो अगर आप किसी संस्था में प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर पीएफ आपका भी कट रहा है तो चिंता ना करें,
आपके लिए एक सुनहरा ऑफर लेकर है जिसमें कि ईपीएफ आने वाला है, तो जो लोगों को जल्द यानी कि बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है। तो ईपीएफ की तरफ से पीएफ कर्मचारियों के लिए ईपीएस योजना चलाई जा रही है जिसमें कि आपको हर महीना पेंशन मिलती है। जो पेंशन धारक चाहते हैं कि 1000 रुपये की पेंशन को बढ़ाया जाए और उन्हें 7500 रुपये की पेंशन मिले। 7500 रुपये की पेंशन को लेकर सीबीटी के अंदर भी चर्चा चली है, लेकिन सीबीटी ने फिलहाल इस प्रस्ताव को सहमति नहीं दी है कि आपकी पेंशन 7500 रुपये की होगी, साथ में आपको डीए मिलेगा या फिर मेडिकल की सुविधा मिलेगी। तो फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर सीबीटी ने कोई सहमति नहीं दी है। चर्चा की गई है एनएससी के अध्यक्ष के द्वारा पेंशन की प्रमुख मांगों को लेकर, लेकिन फिलहाल सहमति नहीं दी है। शायद आपको पेंशन जुड़ी चीज़ों की यानी कि जानकारी होगी, जो छोटे बड़े नियम है उनके बारे में। अगर आप नए पेंशन धारक अगर आप ईपीएस पेंशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे कि ईपीएस पेंशन योजना में हम कैसे जुड़े, क्या नियम शर्तें होगी, तो ये वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। वैसे में ठीक ठाक आपको पेंशन भी मिल जाती है ईपीएस में, जिसमें कि आपका एक कंफ्यूजन रहता है कि इसके लिए क्या नियम शर्तें होने हैं। पेंशन से जुड़ी जरूरी बातें वो भी जानना आपको जरूरी है। कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण जो यानी कि नियम होते हैं जिनके बारे में सभी पेंशनधारक उनको पता नहीं होता है। तो पीएफ कर्मचारी को ईपीएस की स्कीम का फायदा लेना है तो जरूरी बात ये जानना होगा, क्योंकि जिससे कि आपका कन्फ्यूजन है वो खत्म हो पाए। तो ईपीएस के लिए अधिकतम आपका 15000 रुपये का वेतन लिमिट होना चाहिए, जिसके साथ पेंशन आपको मिलती है। तो आपको 15000 रुपये के वेतन लिमिट से पेंशन की कैलकुलेशन का यानी कि फॉर्मूला उसके अनुसार पेंशन मिलती है। तो वैसे में आपका बेसिक ये वेतन माना जाता है, इसके हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। तो फिलहाल ऐसी जानकारी यार ये कि आपका ये बेसिक वेतन है 15000 रुपये से बढ़ा करके 21000 रुपये किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप सभी को बहुत अच्छा पेंशन मिलेगा। पीएम आपका योगदान अधिक होगा तो फिर आपको पेंशन भी अधिक मिलेगी। वैसे में इस प्रस्ताव को ईपीएफ ने अधिकारी का घोषणा करके ये जानकारी नहीं दी है, ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिल रही है। और पेंशनधारकों की ये मांग है कि 15000 रुपये की जगह 21000 रुपये का मूल वेतन लागू किया जाए, जिसके अनुसार पेंशनधारकों को बेहतर पेंशन मिल सके। इसके साथ ही पेंशन के लिए अधिकतम आपका सेवा का 35 साल होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही 58 साल की उम्र के बाद जो पेंशन है वो पेंशन का हकदार होता है, वो पेंशन ले सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर आपको 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन, अधिकतम 7500 रुपये का पेंशन मिलता है। तो पेंशन के लिए मिनिमम रेगुलर आपका 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी होता है। इसके साथ ही 50 वर्ष की उम्र के बाद 58 साल से पहले भी पेंशन आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको घटी हुई पेंशन मिलेगी, फॉर्म 10D भरना होगा। इतना ही, कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का फायदा भी मिलता है। जैसे कि आपकी मृत्यु हो जाती है, आप बुजुर्ग लोग हैं, जैसे कि उसके बाद आपके परिवार यानी कि उसको भी पेंशन मिलेगी। तो सेवा का इतिहास मिनिमम 10 साल होना जरूरी है। उन्हें 58 वर्ष की उम्र में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन भी यानी कि होना जरूरी है। तो वैसे में पेंशनधारकों के लिए कुछ ऐसे छोटे बड़े नियम होते हैं जो सभी पेंशनधारकों को समझ में नहीं आता, उनको पता भी नहीं होता है। तो वैसे में आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। मैं छोटी बड़ी ईपीएफओ की जो पेंशन स्कीम उसके बारे में जानकारी आपको बताने वाला हूँ, क्या नियम शर्तें होगी, उसके बाद ओपीएस से जुड़ी अपडेट को भी जानेंगे। तो इसका फायदा प्राप्त करना चाहता है जो पेंशन, उनको ये जरूरी बातें ध्यान में होनी चाहिए। और वैसे में आपका ये पेंशन का फॉर्मूला है जिसमें कि 12 महीने के आधार पर निकाला जाए। तो वैसे में 35 साल आपका सर्विस होना चाहिए। अधिकतम कंट्रीब्यूशन नौकरी के साल पर ईपीएस कैलकुलेशन से समझे, जैसे कि 15000 रुपये का बेसिक वेतन 35 गुणे में यानी कि और 70 भाग में दिया जाए, 7500 रुपये का आपका पेंशन प्रतिमा बनता है। तो वैसे में इसका मतलब है कि कर्मचारी को हर महीने अधिकतम 7500 रुपये ही पेंशन मिल जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 1000 रुपये की आपको पेंशन मिलती है। तो इस प्रकार की फिलहाल अपडेट बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल आपकी भद्रता की पेंशन को लेकर न तो केंद्र सरकार ने पेंशन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सहमति दी है, न ईपीएफ न एससीबीटी ने फिलहाल ये चर्चा का विषय बना हुआ है और कैबिनेट की बैठक के अंदर भी चर्चा की जा रही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेंशन को लेकर जल्द ऐलान हो सकता है, बजट के अंदर उम्मीद की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पे भी अधिकारी का कोई घोषणा नहीं की है। बात करें आपकी ओपीएस को लेकर, तो ओपीएस को लेकर चर्चाएं हो रही कि आपकी ओपीएस बहाल की जाएगी, एनपीएस में संशोधन होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की अपडेट मिली है, केंद्र की मोदी सरकार ने फिलहाल ओपीएस को लेकर कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी नहीं जारी की है। तो वैसे में आपका एनपीएस रिव्यू के लिए कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आपका एनपीएस में भी संशोधन हो सकता है, ऐसे भी अपडेट आ रही है। और आंध्र प्रदेश का मॉडल उसे भी अपनाया जा सकता है, लेकिन कंफर्म कोई अपडेट फिलहाल पेंशन ईपीएस ओपीएस को लेकर नहीं मिली है कि आपको पेंशन में किस प्रकार से लाभ मिलेगा और कितनी पेंशन मिलेगी। तो फिलहाल अब बजट के अंदर देखना होगा कि सरकार क्या बदलाव करती है, पेंशन के बजट के अंदर क्या ऐलान होता है, उसके बाद आपकी पेंशन को लेकर कंफर्म हो पाएगा। तो इस प्रकार की रोजाना छोटी बड़ी ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर